Students, congratulations, you have been promoted your new class. I am your newly assigned English teacher. Today I am going to teach you basic of English grammar. To know the basic of English grammar, you have to know what is letter. So now I am going to teach you about letter. So first we know what is letter. Okay. A letter is sign or symbol used to express sound in written form. ठीक है, A B C D Z तक आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े ही होंगे, आप जानते ही हैं ये सब लेटर है. बट वाई वी यूज लेटर, क्यों हम इस लेटर यूज करेंगे, क्यों, वाई? एक एग्जाम्पल के थ्रू आई एम टेलिंग यू. ओके, आई नो दैट ऑल ऑफ यू यूज व्हाट्सएप. अब सब व्हाट्सएप यूज करते हैं. व्हाट्सएप के थ्रू आप सेवरल टाइप ऑफ मैसेज सेंड करते हैं अपने रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को, टीचर को. जब हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू कुछ क्वेश्चन भेजते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू ही आप जवाब देते हैं. जब व्हाट्सएप में आप कुछ मैसेज राइट करते हैं, इट मे बी हिंदी और इट मे बी इंग्लिश, इंग्लिश में भी आप राइट करते हैं, हिंदी में भी राइट करते हैं, तो हिंदी में आप उसको बोलते हैं वर्ड. बट दैट इज़ नॉट माई टीचिंग पार्ट. ओके, आई एम गोइंग टू टीच यू द इंग्लिश लेटर. ओके, अबाउट द इंग्लिश लेटर. तो जब आप इंग्लिश मैसेज लिखते हैं व्हाट्सएप में, तो सेवरल टाइप ऑफ वर्ड आप यूज करते हैं, अलग अलग वर्ड. जैसे आई लव माई मॉम, ये आप व्हाट्सएप में आप मैसेज कर रहे हैं, ठीक है ना. तो आई एक वर्ड है, लव एक वर्ड है, माई एक वर्ड है, मॉम एक वर्ड है, इतना वर्ड. बट आई क्या, इसमें ये जो वर्ड है, एक एक वर्ड है, इसमें ये वर्ड बना कैसे, सेवरल टाइप ऑफ लेटर मिलके ही वर्ड बना है. जैसे आई एक लेटर है, ए बी सी डी जेड तक जितना भी लेटर है उसके अंदर आई है. लव एल एक वर्ड लेटर है, लव ओ एक लेटर है, वी एक लेटर है, ई एक लेटर है. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर हम यूज करते हैं जब कुछ हम राइट करते हैं. तो जब हम लेटर के थ्रू ही हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दैट्स वाई लेटर इज वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट अल्फाबेट. ओके, अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या है? अ सेट ऑफ लेटर और सिंबल इन अ फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बेसिक सेट ऑफ स्पीच साउंड ऑफ लैंग्वेज स्पेशली इन सेट ऑफ लेटर्स. ए टू जेड हम लोग जानते हैं, और ए टू जेड एक अल्फाबेट है. तो अगर हम उसमें से पहले ए लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर जेड लिखेंगे, ये हम वी कैन नॉट राइट लाइक दिस. ओके, ए परफेक्ट सीरीज में उसको हम लिखेंगे, एक ऑर्डर, ऑर्डर के बेसिस से हम लिखेंगे. जैसे एक ऑर्डर के बेसिस कैसे होता है, लाइक ए आफ्टर ए के बाद में क्या आएगा, बी, बी के बाद में क्या आएगा, सी, सी के बाद में क्या आएगा, डी. एक फिक्स्ड ऑर्डर रहता है उसमें. हम एक लेटर को, जैसे टी को हम ए के बाद नहीं लिखेंगे, ए के बाद हम बी ही लिखेंगे. तो ये जो एक सेट ऑफ लेटर और सिंबल इज कॉल्ड अल्फाबेट. वी कैन गेट टू टाइप ऑफ अल्फाबेट. ऑलरेडी यू हैव लर्न योर प्रीवियस क्लासेज, वाउल एंड कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू, यू मे नो दैट ऑल दीज आर द वाउल्स एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट. ओके, सो ऑल दीज आर द अल्फाबेट. यू गॉट इट? इफ यू यू फील एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस्क टू मी, यू थ्रू व्हाट्सएप यू can send me this question. Okay, now next point is word. What is word?
वर्ड क्या है? वर्ड, व्हाट इज वर्ड? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर हु इज गिव अ कंप्लीट मीनिंग. लाइक वन थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन इट. सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अ वर्ड. ओके, what is word? A group of letter which give us a meaning. Okay, is called word. Means us kuch letter ko hum arrange karke likhenge jisme ek meaning aaye. Jaise hum b a b t likhe hain, isme kuch aapko you can make any word. Can you make? No, you cannot make any type of word because we can, first of all you cannot pronounce it. अब इसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पाओगे एज ए वर्ड. ओके, अगर हम इसी के जगह पे बी ए टी लिखें, इट्स मीन बैट. ओके, इट्स अ वर्ड बिकॉज बैट्स, अगर बैट अगर बोलेंगे तो हमारा पास एक आइडिया आ जाता है. बैट लेके हम खेलते हैं, क्रिकेट बैट हो सकता है, मे बी बैडमिंटन बैट हो सकता है. तो बैडमिंटन का जो बैट रैकेट होता है वो भी हो सकता है, ठीक है ना. तो इस तरह से हम लोग अगर बैट बोलने से एक आइडिया हमारे, एक पिक्चर हमारे मन में, वी कैन गेट वन पिक्चर, सम पिक्चर. ओके, सो दीज आर कॉल्ड द वर्ड्स. वी मेक अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव्स अस अ परफेक्ट मीनिंग. एक मीनिंग आता है जिसमें उसको हम अरेंज करके लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, हैं, और उसमें एक मीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें एक मीनिंग आएगा. नाउ सो नाउ आई एम गोइंग नेक्स्ट पार्ट. व्हाट इज सेंटेंस? ओके, तो व्हाट इज द सेंटेंस? नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट सेंटेंस. व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. ओके, सेंटेंस क्या है? एक कुछ वर्ड का ग्रुप है, ठीक है. जिस जो ग्रुप हम जब हम लिखेंगे, व्हेन आई विल राइट इट, ओके, दैट कम्स अ कंप्लीट सेंस. ओके, वहाँ से एक हमको कंप्लीट सेंस उसके अंदर से, मतलब क्या है, जब हम कुछ बात किसी को बोलते हैं, जब हम ऐसे हम उसको वो बात उस कुछ वर्ड को ऐसे अरेंज करके बोलते हैं जो वो हम जिसको बोलते हैं वो समझ पाते हैं उस सेंटेंस को, तब ना वो रिप्लाई देते हैं, बट जो हम बोलते हैं वो काम वो करते हैं. लाइक वन आई एम गिविंग वन एग्जांपल टू यू. आई ईट राइस, बट इज आई ईट राइस, इसका मतलब मैं चावल खाता हूँ, ठीक है. अगर हम इसी को लिखेंगे ईट आई राइस, इज देयर एनी सेंस? इसका मतलब है, वी नो व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, बट इज देयर एनी मीनिंग? यहाँ पर कुछ मीनिंग है? इसका कोई मीनिंग नहीं है. इट्स नॉट अ सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं है. क्यों सेंटेंस नहीं है? क्योंकि उसका कुछ सेंस ही नहीं है. हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर आप अपने मम्मी को जाके बोलोगे ईट आई राइस, ईट आई रोटी, मम्मी कुछ समझ में आएगा? मम्मी का, ठीक है, मम्मी का कुछ समझ में नहीं आएगा. वो बोलेंगे पता नहीं मेरा बेटा मेरा बेटी पागल, पता नहीं कुछ क्या बोल रहे हैं, अनाप शनाप पकड़ा है ना. तो अगर हम वही बात एक प्रॉपर ऑर्डर में बोले, ओके, लाइक आई ईट राइस, आई ईट रोटी, मम्मी को जाके तुम बोलो आई वांट टू ईट राइस, ओके, हम चावल खाना चाहते हूँ, तब मम्मी तुमको चावल या रोटी या जो भी खाना चाहते हो, मीट मुर्गा कुछ भी तुमको देंगे, ठीक है. तो यही है सेंटेंस, एक ग्रुप ऑफ वर्ड. मतलब आई एक वर्ड है, ईट एक वर्ड है, राइस एक वर्ड है, ये तीनों वर्ड एक साथ मिल के एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, बता रहा है, बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना. तो
Sentence means a group of words which make a complete sense. ठीक है, अब we can get four type of sentence. ठीक है, one is assertive, interrogative, imperative and exclamatory. These are four types of sentence. So students, today just I am going to finish my lesson. Okay, tomorrow again I will explain about sentence, type of sentence. Okay, all these things we will discuss tomorrow. Okay, thank you, bye.